तो आपको क्या हो जाएगा, विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, देखो इसमें बहुत सारा फैक्टर्स इंक्लूड रहता है। पहला आपकी अपनी लाइफ तबाह हो गई, आपसे जिनका रिलेशन है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी है ना ड्रग्स को लेकर के, तो आप या अल्कोहल पीते रहोगे दिन भर, तो जो लोग पसंद नहीं करते वो आपसे कट जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आपको धीरे धीरे करके आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, फैमिली प्रॉब्लम आएंगी, आपका खुद का बायोलॉजी जो ख़राब हो गया है वो तो एक अलग बात है ना, आपको खुद का कुछ बहुत सारा जो हैबिट्स रही होंगी, कुछ आपकी हॉबीज रही होंगी, वो सारी एकदम गायब। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, अब इसमें आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकता है, आप लोगों से क्या कर सकते हो, आप पैसे ले सकते हो, आप लोगों से पैसे मांग के पियोगे, है ये सब चीज़ें करोगे, तो इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और सपोज आप जैसे ड्रग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आपको होश ही नहीं, आप किस रीजन से ले रहे हैं, तो आपको एड्स भी हो सकता है, आपको पता है एड्स ऐसे होता है, फैलता है। ओके, इसके बाद आएंगे बेटा और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिरोसिस। ठीक है ना, सिरोसिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब अल्कोहल कंज्यूम कर लिया जा रहा है तो आपका लीवर फाइब्रस कंडीशन में आ जाता है, वो पूरा फाइब्रस हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि वो लीवर सिरोसिस हो जाती है, आपको वो कंडीशन क्या कहलाती है, लीवर सिरोसिस। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से जब आपका लीवर ख़राब हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद चलो बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, और लास्ट का पैराग्राफ जो रहेगा जिसमें आपकी फिजियोलॉजी के बारे में बात की गई है, आपकी बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात की गई है, कि अगर फीमेल्स बहुत ज़्यादा पीती हैं तो उसमें मेल के कैरेक्टर्स आएंगे, और मेल पीते हैं तो फीमेल के कैरेक्टर्स आएंगे, यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। बेटा ये टॉपिक वैसे आपके लिए नहीं है, पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है, लेकिन इसे कुछ पॉइंट्स आपके लिए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको ये इसलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे प्रिवेंट करें, है ना, कैसे कंट्रोल करें अपने आप को, और अगर आपको नहीं है तो दूसरों को कैसे बताएं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ें जो हैं, आप कभी बड़े हो जाएंगे तब आप कैसे देखेंगे इन सारे फैक्टर्स को, आप कैसे अपने नज़रिए से देखेंगे, तो ये चीज़ आपको इसमें टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो पहला इसका जो सब टॉपिक है वो है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। लिखते जाऊँ क्या, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, मैं बोलती आ रही हूँ, तो आप लोग बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका जो होता है अनड्यू प्रेशर नहीं देना है। कहने का मतलब बेटा देखो, मैंने इसलिए आपको कहा ना कि गलती करो अच्छी बात है, बार बार गलती मत करो, क्योंकि मैं तो बताती हूँ, मेरी क्लास में ना एक बच्चा था, बालाजी पढ़ता था, मेरे साथ ही पढ़ता था, तो वो क्या करता था, वो 12th में फेल हो जाता था, है ना, 12th में फेल हो गया, बट इस वक्त वो इंजीनियर है, आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 12th तक कोई बच्चा फेल भी हो रहा है तो भी चांसेस हैं, है ना, फेल हो रहा है चांसेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे वो क्या करेगा, है ना। लेकिन आप मैं आपको अच्छा फिर बोलोगे कि मैम आप मुझे क्यों टोक रहे हो, अगर हम फेल हो जाते तो मुझे क्यों बोलते हो, इसलिए बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है कि आपको फेल होकर ही सक्सेस मिले, कोई ज़रूरी है आपको वेट करना पड़े, इतना साल वेट करने के बाद आपको सक्सेस मिले, मैं चाहती हूँ कि आप फेल बिल्कुल ना हो, और क्या हूँ, देखो गलतियाँ करो वो ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूसली वही काम करना वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए आपको, इसलिए आपको गलती करने से मना कर रही हूँ कि आप 11th में कर लिए ना, बहुत कर लिए आपने, बहुत मिस्टेक कर लिया, मत करो। ठीक है, तो अनड्यू प्रेशर नहीं देना है कि वो देखो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो किसी बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, सब अपने आप में क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सब अपने आप में बहुत क्रिएटिव होते हैं, किसी ना किसी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पहले आप तो पहचानो बेटा, आप पहचानो, और सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन पढ़ाई जहाँ तक इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वहाँ तक करिए, बिना पढ़ाई के तो आपको ये देखो पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन बिना पढ़ाई के कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, दोनों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, इसी का सब टॉपिक है एजुकेशन और काउंसलिंग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी को ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए, या आप भी हैं तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को हो रहा है तो आप भी ऐसा गाइड करिए उन्हें, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, है ना। मैथ्स में आप क्या सीखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो ना, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि लेके भाग जाएंगे, हाँ क्या करेंगे, प्रॉब्लम आ गई तो चलो ठीक है, तो प्रॉब्लम से भाग जाओ, ड्रिंक कर लो, उसके पीछे पड़ जाओ, है ना, तो ये काम नहीं करना है आपको, एकदम ऐसे एडिक्टिव नहीं बनना है। ठीक है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें, और आपको ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको बिगाड़ रहे हैं, या आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपने इतना ज़्यादा ड्रग ले लिया है या अल्कोहल ले लिया है, फिर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा क्या करो, पेरेंट्स से बात करो, हेल्प करो, है ना, कोई डांट पड़ेगी, लेकिन आजकल थोड़े लोग सपोर्ट करते हैं, और नहीं करते तो इतने सारे लोग टीचर्स होते हैं, है ना, मेरे को तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है टीचर्स का, है ना, तो एकदम ऐसे कोई गिल्ट फीलिंग मत रखो, क्या हो गया कैसा कर लिया करके, तो बात करो इसी का सोल्यूशन क्या है ना,
फिर है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. अगर किसी आपके फ्रेंड में, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को आपको देख पा रहे हो कि ऐसा कुछ बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहा है, और ऐसी चीज़ें जब देख पा रहे हो तो उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उनका केयर कर सकें, है ना. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ये तब पड़ता है जब आप एकदम अति कर चुके हैं ना, आपने इतना लेवल पार कर दिया है कि अब आप ना घर वालों से संभल रहे हैं ना फ्रेंड से संभल रहे हैं. तो आपको प्रोफेशनल जो होते हैं डॉक्टर्स, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. काउंसलर्स जो होते हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. वो आपको काउंसिल करते हैं कि किस तरह से आपको ये काम छोड़ना है. और रिहैब सेंटर्स होते हैं, वो भी इस तरह का काम करने की सजेशन आपको देते हैं, ठीक है. कैसे कैसे आपको करना है, आपको कैसे कैसे निकलना है इन सब प्रॉब्लम से. बेटा ऑल इन वन एक ही कहना चाहेंगे कि जितनी चीज़ें हैं अगर आपकी बॉडी को कहीं तक इफेक्ट कर रहे हैं तो मत यूज़ करो, ठीक है. कोई करता है उसे मना करो जितना स्ट्रांगली आप मना कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म, एकदम ख़त्म ही हो जाने वाली है. तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे इंसान को पहले समझो, उसे बताओ कि कितना डेंजरस है ये सारी चीज़ें, और अगर कोई नहीं मानता तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना. फिर तो हम तो ये कहते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, समझा बहुत दिया, जिसको जो करना है करे, है ना. इंडिया की काफ़ी ज़्यादा चिंता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, कैसा ना कैसा करके तो रिड्यूस होनी है, ठीक है. तो रिड्यूस भी अगर करनी है तो कुछ काम करके करो, है ना. चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास, ध्यान से सुनो. बहुत ही जनरल टॉपिक्स से एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना, नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है. चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास.